लाई हाथ घुमाकर यहाँ ध्यान रखते हुए उच्चारण शक्ति का व्यायाम कर रहे हैं। सूक्ष्म व्यायाम शुरू हो रहा है। लंबे गहरे सांस लेंगे 20-25। देखिए यहाँ उच्चारण शक्ति का व्यायाम हो गया। अब हमें बुद्धि के विकास के लिए बुद्धि का व्यायाम करना है तो यहाँ चोटी पर ध्यान रखेंगे। इसका नाम है बुद्धि विकास क्रिया। इसकी कोई दवाई नहीं बनी है, आपने खुद इसको दवाई के बिना ठीक करना है। ऊपर देखेंगे और चोटी वाले स्थान पर ध्यान रखेंगे और लंबे सांस लेंगे 20-25। विश्राम। अब अपने अंगूठे से 1.5 गज की दूरी पर देखेंगे और ध्यान यह रहेगा। ये याददाश्त यानी स्मरण शक्ति का व्यायाम है। जब ज़्यादा उम्र हो जाती तो याददाश्त जरा जाने लगती है, तो इसका करते रहेंगे तो कभी याददाश्त नहीं जाएगी। अब ये ठुंडी कंठकूप से लगाएंगे, इसको कहते हैं जलंधर बंद। आँखें बंद करेंगे और फिर लंबे गहरे सांस लेंगे और ध्यान यहाँ रखेंगे ठीले भाग पे, मेघावी बनने के लिए। सब मेघावी बने। अब ये हाथ सीधा ले आइए, यहाँ पर इसको घुमाइए। फिर से हम गर्म कर रहे हैं अपने यहाँ बुद्धि को, फिर यहाँ ले आए। चबाकर खाने से याददाश्त बढ़ती है। यहाँ पर चबाने की दो नसें हैं। अब करण शक्ति विकास। अब देखिए नेत्र ज्योति विकास क्रिया करने जा रहे हैं। मेरी आंखों में चश्मा नहीं लगा इतनी लंबी उम्र होते हुए भी, तो उसको आंखें जोर से बंद करें, खोलेंगे 4 बार। फिर यहाँ दबा लेंगे, फिर नीचे। यहाँ से मोतिया आता है, इसको हम ढीला कर रहे हैं जिससे ये मोतिया ना आ जाए, मुलायम पर्दे रहें। अब दोनों उंगलियों से ये देखिए मसाज करनी है। इसको कहते हैं नेत्र ज्योति विकास क्रिया। नेत्रों में विकार नहीं आए। अंगूठे से ऊपर की भी मसाज करिए, गड्ढा यहाँ पर है। अब मध्यमा उंगली और अंगूठे से यहाँ पर घुमाएं। यहाँ पर कीचड़ जमा होता है ना, यहाँ पर एक जाला हो जाता है तभी मोती आता है। उसको रोज ठीक कर लिया करें तब इससे सूक्ष्म व्यायाम से आंखें ठीक रहती हैं। अब दोनों आंखों से इस कान को देखें, लेफ्ट को, बाएं को। अब दाएं को देखें। अब जहाँ बिंदी लगाते हैं या तिलक करते हैं आज्ञा चक्र पर देखें, बिना पलक झपकाए। अपलक, जब आंखों में दर्द होने लगे या पानी आने लगे, जब ही हाथ बांध करके आंखों पर लगा ले। अब नाक के अग्रभाग को देखेंगे आप। अब आंखों का गोल राउंड लेंगे, एक छोटा सा जीरो बनाएंगे। हाथ मली आंखों पे लगा लीजिए। अब हम करने जा रहे हैं कर्ण शक्ति विकास। कानों में कम सुनाई पड़ना, बहरापन होना। अगर बहरापन आ भी जाए किसी का, बूढ़ा हो, तो ये जो अंदर एक काग है उसको चम्मच से ऐसे दबाएंगे, बाहर को खींचेंगे तो बहरापन दूर हो जाएगा। क्योंकि ये बहरापन इसलिए हो जाता है, ये पर्दे जो हैं ये सख्त हो जाते हैं, मुलायम नहीं रहते, इनमें लचक नहीं होती। लचक रहेगी तो नहीं, तो पहले बचपन में बच्चों के कान खींचते थे, उससे कभी ख़राब नहीं होते थे। आजकल वो प्रथा खत्म कर दी, हम अपने इस क्रिया को भूल चुके हैं। तो लीजिए अब हाथ घुमा करके कानों के अंदर लाए अंगूठे और मुंह से सांस ऑक्सीजन पी जाएं और नाक से निकाल लें जब थक जाए। पीजिए पीजिए ऑक्सीजन।
नाक से सांस निकाल दीजिए, मुंह से फिर पीजिए। अब हाथ घुमा के नाक पर लाएंगे, इसको कहते हैं कपोल शक्ति विकास, योनि क्रिया या काकी मुद्रा। वो मुंह से सांस पिएंगे और जब थक जाए तो नाक से निकालेंगे। हाथ घुमा के लाए। अब हम करने जा रहे हैं उसका व्यायाम जो किसी का आज तक नहीं किया लोगों ने, जुबान का। विश्राम करें। अब देखिए हम इनका व्यायाम कर रहे हैं, देखिए ओरिजिनल दांत है मेरे, ये देखिए। तो इसको जोर से दबाएंगे और फिर छोड़ेंगे, 5-6 बार करेंगे तो दांतों की मजबूती हो जाएगी और ये कभी खराब नहीं होंगे। तो आइए, अब इसको मुंह को भी जरा जाबड़े को ठीक करें। अब दांत बंद करके हवा अंदर खींचें जिससे ठंडा पानी न लगे, कभी कभी लगने लगता है। अब इस चेहरे का व्यायाम करें, देखिए यहाँ के सारा व्यायाम हो गया। अब गर्दन का आया, ऊपर से नीचे आ गए हम यहाँ, तो ग्रीवा शक्ति व्यायाम है ये, सूक्ष्म व्यायाम है, ग्रीवा शक्ति का व्यायाम है। तो बाएं कंधे को दाएं कंधे को इस तरह करें, छू लें, आधा गोला बनाएं, अब ऊपर नीचे करेंगे अप एंड डाउन। अब यहां से मैं सांस भर के यहां छोड़ूंगा और यहां से भरूंगा तो इधर छोड़ूंगा। सांस भर के जाना है, सांस छोड़ के आना है वापस। ये सांस छोड़ी फिर सांस भरी। अब देखिए गर्दन का व्यायाम हो गया, अब हम हाथ का शुरू कर रहे हैं। घुमाइए हाथ को, अब उल्टा दूसरे हाथ को, अब दोनों एक साथ घुमाइए। हाथ घुमा के लाए सामने मुट्ठियां और इन्हें घुमा लें। सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं करेंगे तो आपके ध्यान में, सुदर्शन क्रिया में सब क्रियाएं ठीक से हो जाएंगी, क्योंकि हम टूट चुके होते हैं सोने से। तो अब ये फिर ठीक करें। अब देखिए इस तरह पकड़ लें और देखिए खींचें से, अब हाथ घुमा के ले आए कंधे पे, छोटा सा राउंड बना लें, उल्टा भी। अब ये मुट्ठियां पीछे को रखी हुई मैंने, मुंह से सांस भरूंगा और कंधे की व्यायाम करूंगा, भुज, इसका नाम है शोल्डर पंपिंग। अब देखिए अब हमने कंधों का किया, अब भुज बल, भुजाओं का व्यायाम है। अब ये यूं करें,
हमने भुजाओं का कर लिया, अब इसका व्यायाम करना है, कोहनियों का, मुट्ठियां बंद करके ऊपर, अब मुट्ठियां खोल ले, हाथ घुमा के लिया है। अब बाएं हाथ से 5 बार ऊपर करें, अब सीधे हाथ से राइट से, अब दोनों हाथ से एक साथ करेंगे, हमने 10 बार किया है ये, पहले 5-5 बार, अब मुट्ठी बंद करके घुमाना है, सांस भरे रखेंगे अंदर। अब उल्टा भी, अब दूसरे हाथ से, अब दोनों हाथ से एक साथ घुमाएंगे, अब उल्टा, अब देखिए ये मणि बन सकती है, ये मुट्ठियों को बंद करके लाइए चेस्ट पर, अब हाथ खोल करके, अब ज्यादा से ज्यादा उंगलियां फाड़ कर करेंगे, इसका नाम है करतल कर पृष्ठ, ये अब उंगली का व्यायाम करना है, उंगली मोल जूर, ऊपर से नीचे को जा रहे हैं हम, उसके बाद में बाकी सब प्राणायाम वगैरह ठीक हो जाएगा। देखिए ये अंगूठे यहाँ लगा करके मैं सांस भर के ऊपर जाता हूँ, एड़ियाँ साथ उठाता हूँ, अब यहाँ लाइए कुनाड़ी पर, स्वर और प्राणायाम साथ साथ चल रहा है, अब देखिए अब हाथ को यूं घुमा लेंगे, उल्टा भी घुमाएं, देखिए ये दोनों पसलियों के बीच में यहाँ पर ये हड्डी है, इसे दबाने से जुखाम नहीं होता और कब टूटती है, देखिए चम्मच से अगर जुबान को दबाएंगे 5-7 बार तो भी कब्ज खत्म हो जाएगी, उससे नहीं होती तो एक मुट्ठी किशमिश, एक मुट्ठी काजू खा लेंगे तो उससे भी किस्म ठीक हो जाएगी। अब हम करने जा रहे हैं कब्ज तोड़ने वाले व्यायाम, तो फिर इस तरह चला लें, जरा पैर जम गए होंगे आपके, कब्ज तोड़ने वाली 3 क्रियाएं हैं ये, कब्ज पूरे विश्व को है, ये मत सोचें कि कब्ज कुछ बूढ़ों को ही है, नहीं सारे संसार को कब्ज है, अब हाथ घुमा करके और ऊपर ले जाएंगे, 40 बार सांस लेंगे, अभी 1 राउंड हुआ है, 3 राउंड बाकी हैं, 4 राउंड करने पड़ते हैं,
दो राउंड हो गए। ये आखिरी है, चौथा राउंड। ये व्यायाम सभी लोग कर सकते हैं, गर्भवती महिलाएं भी करेंगी तो उनको बहुत लाभ होगा। अब एक डेढ़ फुट का फैसला दे करके हम इधर से देखते हैं इस एड़ी को और इस तरफ से उस एड़ी को देखते हैं। ये भी करना है क्योंकि हमारी जो पाचन क्रिया की जहाँ पर खाना जाता है वो घुमावदार है तो वहाँ अटक जाता है, तो इससे वो खुल जाएगा, फिर सुबह शौच ठीक से आएगा। 40 बार करना है। अब बैठ जाएंगे, बैठ करके करना है 40 बार। 40 बार करना है। देखिए अब अंदर जो हैं, अब अंदर का व्यायाम कर रहे हैं हम। फेफड़ों में 1.5 करोड़ छेद हैं तो वो सुकड़ जाते हैं ऑक्सीजन न मिलने से, तो हम उसको ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। उसके जब छेद जो हैं उनमें 1.5 करोड़ उनको खुल जाए तो खून छानने में उसको आसानी होती, इसलिए फेफड़े में कोई बीमारी नहीं आती। तो इसको 25 बार कर रहा हूँ मैं, आप भी करेंगे। पच्चीस हो गए होंगे, गिन लिया करें। इस बार ये करना है, अब हम तीनों तरफ करते हैं। देखिए
विश्राम कर लें। देखिए मैं नहीं थकता हूं तो आप कैसे थकेंगे, आप तो बच्चे हैं अभी। अब मैं नीचे से सांस को खींचूंगा तो 25 बार वो करना है। पहले नीचे से यानी चारों तरफ से फेफड़े ठीक करने हैं, जिससे इसमें कोई बीमारी ना आए, दमा ना आ जाए, टीबी ना हो जाए, अक्षमा ना हो जाए। इसको रोकने के लिए ये सारी क्रियाएं हैं सूक्ष्म व्यायाम की। देखिए मैं सांस ऊपर को खींचता हूँ, आएगी अपने आप। पच्चीस हो गए होंगे और ऊपर से नीचे को खींचना है। बगल से खींचना है दोनों तरफ से। अब सामने से खींचना है, विश्राम कर लें। देखिए अब हम करने जा रहे हैं चेस्ट का व्यायाम। पहले उंगलियों को ढीला छोड़ें, लूज द फिंगर। आंखें बंद होंगी, ठीक से उंगलियों को रिलैक्स दे लें। अब लाएं चौड़े करें हाथ, अब यहाँ ले आए। अब लाएं हाथ घुमा के एड़ी पंजे मिला लेंगे, सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस। सांस भरते हुए जाना है और सांस छोड़ते हुए वापस। और ये भी ध्यान रहे कि जिसके सर्वाइकल हो या कमर में दर्द हो आगे ना झुके, जिसको हर्निया हो वो पीछे ना झुके। इस बात का पूरा ध्यान करना पड़ता है, नहीं तो फिर दर्द होने लगता है। तो सांस भर के जाएंगे पीछे, वापस आ जाएंगे। चार बार कर लें इसको। आप लोगों ने पूरे विश्व को सुधारना है, सारा विश्व बीमार है। अब देखिए मैं कंधे ऊपर करके पीछे हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा हूं। दो बार इसको कर लें। अब हम करने जा रहे हैं उद्यान बंद। उद्यान बंद से मौत और बुढ़ापा दूर रहता है। देखिए मैं सांस बाहर निकाल करके बाहे कुंभक करके अंदर ले जाता हूं, देख लीजिए आप। आप सकोरिए
अब फलानी जी, अब इसको कहते हैं अजगरी मुद्दा फलाने को, अब इसकी पंपिंग करनी यानी कपाल भांति। अब ऊपर देखकर भी यही क्रिया करेंगे, अब नीचे देख करके फेल करेंगे। हाथ घुमा के कमर पे लाएंगे, अंगूठे आगे उंगलियां पीछे, और 60 डिग्री पर झुकेंगे और फिर इसी क्रियाओं करेंगे। अब 90 डिग्री पर झुक करके इसी क्रियाओं करेंगे। हाथ घुमा के घुटने पे लाएं, घुटने सीधे रखेंगे और फिर इसी को करेंगे। अब घुटने मोड़ करके भी करेंगे, देखिए। अब 1 फुट का फैसला दे दें पैरों में और फिर घुटने मोड़ें और फिर करें इसी को। मुंह फुला रहा हूं मैं और पेट फुला रहा हूं, इसको कहते हैं कुंभक। कुंभक क्रिया है ये, इसको 1 सेकंड के लिए करना है, नहीं तो ज्यादा देर करेंगे तो मूर्छा मुद्रा भी कहते हैं, गिर पड़ते हैं लोग। बस अब देखिए, सांस को बाहर निकाल करके वाहि कुंभक बाहर रोक दे और पेट को हिलाएं, देख लीजिए मुझे। बस इसी तरह हिलाएं। अब ऊपर देखेंगे, सांस निकाल करके बाहर रोकेंगे, इसे कहते हैं वाहि कुंभक। अब जमीन अपने अंगूठे से 1.5 गज की दूरी पर देख करके फिर सांस बाहर निकाल के वाहि कुंभक लगाएंगे, तभी ये हिलेगा, नहीं तो हिलेगा नहीं। अब हाथ कमर पे ले आए, 60 डिग्री पर झुक करके और फिर करेंगे। अब इसी में 90 डिग्री पर झुक कर करेंगे। अब अंदर कब्ज होगा, वो सारा बड़ी आंत में चला जाएगा, टूट करके मल जो है वो वहां इकट्ठा हो जाएगा। अब घुटने पे हाथ रखेंगे, घुटने सीधे रहेंगे, सांस बाहर निकालेंगे, वाहि कुंभक लगाएंगे, फिर हिलेगा ये। अब इसी में घुटने मोड़ेंगे, फिर लाएंगे। अब 1 फुट का फैसला देंगे, इसका नाम वैसे ऋषियों ने अग्निसार क्रिया रखा है, ऋषियों की रिसर्च के बाद ये सब तय हुआ है कि इसका नाम अग्निसार क्रिया रखो। ऋषि का मतलब रिसर्च स्कॉलर। अब देखिए, यहां तक का व्यायाम हो गया, अब कमर का बाकी है, क्योंकि हम नीचे को जा रहे हैं ठीक करने के लिए, तो मुट्ठी इस तरह बंद करेंगे,
और सांस भरते पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते वापस। जिसके कमर में दर्द हो वो ज़्यादा ना झुके आगे को, और हर्निया हो तो पीछे ना जाए। अब मुट्ठी बदल के फिर करें। अब पैर ज्यादा से ज्यादा चौड़े करें, काफी चौड़े कर लें। सांस भर के पीछे जाना है, सांस छोड़ते वापस। नीचे हाथ रखो, उछल के आना। देखिए अब ये कमर जो है ना, ये लचकदार होनी चाहिए। अगर लचक रहेगी तो बुढ़ापा नहीं आएगा, अकड़ गई तो बूढ़ा हो जाता, फिर चलना में उसको दिक्कत पड़ती है। इसलिए इसको लचक करने के लिए हम झटके से सांस को बाहर फेंकते हैं। देखिए अब हाथ खोलिए, अब झुकिए बाएं, फिर दाएं झुकिए, फिर बाएं झुकिए। अब एक फुट का फैसला देकर करें इसी को, यानी आपकी कमर की सब नसें खुल जाएंगी तो आपके दर्द नहीं होगा। अब हाथ घुमा के लाइए सामने। अब देखिए इसको कहते हैं कटी मंथन। जोर से हम सांस को बाहर फेंकते हैं, यहाँ पर ले आए हाथ। देखिए ये मोटापा हिपों पे आ जाता है, सब जगह आ जाता है, इसको रोकने के लिए बड़ी अच्छी क्रिया है। अब हम इसको घुमाएंगे, मोटापा अभिशाप है, आप सोच रहे इसको कम करें, और ये भोजन के द्वारा ठीक हो जाता है। अब उल्टा भी घुमाएं। अब एड़ी पंजे मिला करके भी घुमाएं। सुबह उठ करके लैट्रिन जाने के बाद पानी खोलने लगे उसको आधा गिलास नींबू निचोड़ करके, अगर ज्यादा मोटे हैं तो दो चम्मच शहद डालें, तो वो पानी पिए रोज। हाथ घुमा के लाइए। अब देखिए हमने कमर का व्यायाम कर दिया, अब मल द्वार का व्यायाम बाकी है, जिससे सारी हार्ट संबंधी बीमारियां आती हैं, ब्लॉकेज हो जाती है नसें, फिर बाईपास सर्जरी होती है, हार्ट में तकलीफ हो जाती है, इससे हार्ट मजबूत होता है। जब भी याद आ जाए जब करें, और मल द्वार को ऊपर खींचेंगे, इसे अश्वनी मुद्रा भी कहते हैं, खींचिए मल द्वार को ऊपर, खींचिए, शरीर में कंपन होने लगता है जब। ये जब भी याद आ जाए दिन में कभी भी कर सकते, इससे हार्ट मजबूत हो जाएगा आपका। हार्ट अटैक महिलाओं को कम आता है, क्योंकि वो कपड़े निचोड़ती ना, उससे मजबूत होता रहता है, बहुत कम आता है किसी महिला को, बहुत मैंने कम देखे, पुरुषों को ज़्यादा आता है ये। अब चार अंगुल का फैसला दे करके खींचे। देखिए अगर एक लैट्रिन हो, 8-10 आदमी खड़े हो तो कैसे रोकते हो लैट्रिन, तभी तो रोकते हो ना, तो वही तरकीब है ये। जब नंबर आएगा जब ही तो जाएंगे आप। अब एक फुट का फैसला करके, एक फुट फैसला करके मल द्वार और मूत्र द्वार दोनों का संकुचन करें।
अब हमारे शरीर में तीन नदियां हैं, इंगला पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, तीनों हैं। उसके बीच में इन तीनों गंगा यमुना सरस्वती के बीच में एक नाड़ी सीधी गई है, वहाँ पर कुंडली मारे हुए बैठी हुई है वो, उसको ताड़ना देते हैं तो कुंडलनी जाग जाती है, पर वो बड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ये जो एड़ियाँ हैं ना, यहाँ लगा रहा हूँ मैं, देखिए आप लगाइए, आप बच्चे बूढ़े महिलाएं जो भी करेंगे उसमें लाभ ही लाभ है। अब देखिए, अब मैंने यहाँ तक का व्यायाम किया, अब इसका व्यायाम बाकी है, जंघा शक्ति। देखिए हम कर रहे हैं पीटी, शुरू करें। अब चेयर पोज, चेयर पोज, ये जंघाओं की मजबूती के लिए चेयर पोज है, कुर्सी आसन भी कहते हैं हिंदी में। थक जाएं तो दोबारा कर ले, ऐसे ना सोचें कोई जरूरी है, फिर तीन बार कर ले, चार बार कर ले। गुरुदेव तो बड़ी देर तक करते रहते, मैं तो दंग रह जाता हूं। विश्राम करें, मैं तो बहुत देर करूंगा, मगर आप थक जाएंगे। देखिए अब पैर को मैंने एड़ी मिलाई है, जैसे वो कत्थक करते ना ऐसा करना है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, घुटने में ला लीजिए और इसका राउंड लगाइए। ये घुटनों का व्यायाम है, यहाँ पर गठिया जोर ठीक हो जाएगा। अब पैर को हिप पे लगाएं और सीधा ताने पंजा, अब देखिए घुटने का हो गया, अब इसका बाकी रह गया। देखिए अब जो है आप बैठक लगा ले तीन, अब देखिए अब यहां तक व्यायाम हो गया, अभी पंजों का है, तो पंजे ऊपर नीचे करेंगे, अपने धर्म कांटे अपने शरीर को तोलेंगे। अब उछलें, उछलें और ऊपर करें हाथ, देखिए अब ये पंजे का व्यायाम हो गया। अब अंगूठे से जीरो बनाना है, इसका बड़ा लंबा चौड़ा नाम रखा ऋषियों ने, गुलपात तलपात प्रस्पात, बनाइए अंगूठे से जीरो। अब ये सूक्ष्म व्यायाम तो खत्म हो गया, फिर प्रार्थना कर लेते हैं। प्रार्थना में उससे क्या मांगना है, हमने सद्बुद्धि, सद्बुद्धि मांगनी है, और उससे कुछ ना मांगे, अगर बुद्धि मांग ली ना तो विश्व आपका है, बुद्धि के अलावा कुछ ना मांगे उससे, धन दौलत वो कोई काम नहीं आएगी, बुद्धि आएगी काम, बुद्धि से ही आप सब कुछ बनाते। हे भगवान, हमें सद्बुद्धि दो, हमें शुद्ध बुद्धि दो, हमें तीव्र बुद्धि दो, हम बीमार कभी ना पड़े, हम स्वस्थ बने, हम बलवान बने, हम धनवान बने, हम दानवीर बने, हम यशस्वी बने, हम तेजस्वी बने, हम वर्चस्वी बने, हम कीर्तिमान बने, हम अपने माता पिता के भक्त बने, हम अपने राष्ट्र के भक्त बने, हम अपने परिवार के भक्त बने,
हम अपने रोजगार के भक्त बने, हम अपने गुरुदेव के भक्त बने, इस स्वर्ग आश्रम के भक्त बने, औरों को बना सके। इस प्रकार मेरे मन में, वाणी में, कर्म में विलक्षण शक्ति पैदा करे। जो चाहूं सो कर सकूं, जो कह दूं सो जाए। ओम शांति शांति शांति। हाथ घुमाइए, लाइए, बजाइए ताली। देखिए, आपने एक्यूप्रेशर कर लिया, सारे शरीर की जहाँ खून जमा होगा वो चल जाएगा, सारे दर्द खत्म हो जाएंगे। अब देखिए, तीन बार, यानी मेरी हंसाने की बहुत प्रक्रिया है, मैं तीन चार बार तो हंसा ही देता हूँ। शुरू करें। देखिए, अभी और अभी अभी हंसी पूरी नहीं हुई, अभी हंसी पूरी कहाँ हुई? अब तक अभी अब देखिए, अंदर ही अंदर मुस्कुराएं। जब मेहमान आता है ना, कोई खुशी होती तो अंदर ही अंदर मुस्कुराते ना आप। अब देखिए, हम माँ को याद कर रहे हैं, ये धरती माता है, इसको याद कर रहे हैं। माँ देखिए, आपके अंदर जो परमात्मा बैठा है उसको मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आपने प्रेम पूर्वक जो कुछ मुझे आता है मैं सिखा रहा हूँ, आपने प्रेम पूर्वक सुना और समझा, इसलिए आपका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। क्षमा करना, कोई गलत बोल दिया हो मैंने तो।